खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह के लोगों को एक बार फिर श्री बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन लाभ होंगे। श्री बागेश्वर धाम सरकार की भव्य राम कथा दमोह में आयोजित हो रही है। आयोजन के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दमोह विधायक अजय टंडन सहित बागेश्वर धाम शिष्य मंडल और अनेक राम भक्त शामिल हुए। 24 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 तक शहर के होमगार्ड ग्राउंड में श्री बागेश्वर धाम सरकार की भव्य राम कथा आयोजित की जा रही है। राम कथा के आयोजन के संबंध में तैयारियों एवं अन्य विषयों के बारे में चर्चा करने एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे। आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए दमोह विधायक अजय टंडन ने बताया कि श्री बागेश्वर धाम सरकार की कथा के पूर्व एक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल पहुंचेगी। वहीं लोग 9 दिनों तक श्री बागेश्वर धाम सरकार के मुखारविंद से भव्य राम कथा का रसपान कर सकेंगे। आयोजन के संबंध में दमोह विधायक अजय टंडन और समिति सदस्यों ने हमें विस्तार से जानकारी दी। बागेश्वर धाम सरकार की जय। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई और महाराज जी ने दमोह में राम कथा करने की स्वीकृति दे दी है। तारीख भी तय हो गई है, 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक। भागवत कथा होती है 7 दिन की, लेकिन हम लोगों ने महाराज जी से निवेदन किया कि भागवत कथा कई जगह सुन ली है, अभी कादीपुर में भी हुई थी, अगल बगल के पूरे क्षेत्रों में हुई थी, कि वह राम कथा कर दें। तो राम कथा 9 दिन होगी और यह होगी 24 तारीख से 1 जनवरी तक। आपने कहा आने की संभावना, पूरे भक्तगण इकट्ठे होंगे, कथा का आनंद लेंगे, दूर दराज के लोग आएंगे। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि महाराज जी की 9 दिन की कथा सुनने का हमारे दमोहवासियों की और आसपास के लोगों को एक अवसर प्रदान होगा। उसी सब की तैयारी हो रही है। आज प्रारंभ पहली मीटिंग है और मुझे पूरी उम्मीद है सभी भक्तजन मिलकर इस आयोजन को बृहद रूप से सफल भी बनाएंगे। स्थान के विषय में लोगों की जिज्ञासा है, स्थान निर्धारित हुआ है? स्थान तय है, स्थान तय हुआ है होमगार्ड का ग्राउंड। होमगार्ड ग्राउंड लेने का एक कारण भी है, तहसील ग्राउंड को छोटा पड़ता था और दिशाएं भी होती हैं कि महाराज जी पूर्व मुखी या उत्तर की तरफ मुंह करके कथा करते हैं। सारी चीज़ें हम लोगों को देखना पड़ती हैं। तो तहसील ग्राउंड में कंपाउंड वाल बनी हुई है और सुरक्षा की दृष्टि से और दृष्टि से वह कुछ छोटा भी है। पॉलिटेक्निक का ग्राउंड भी कुछ छोटा है। यह ग्राउंड जो है होमगार्ड ग्राउंड 7.5 एकड़ में बना हुआ है, वहाँ पर कथा होगी, बढ़िया किस्म से मंच बनेगा। स्थान तय हो चुका है और कल तक हम लोगों को उसकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। प्रारंभिक रूप से स्वीकृति हमें मिल चुकी है। कलश यात्रा की रूपरेखा लगभग तैयार हो गई, कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ पर कैसे? कलश यात्रा के प्रभारी हैं विक्की गुप्ता जी और इन्होंने ये तय किया है कि कलश यात्रा निकलेगी। सब लोग आशीर्वाद गार्डन में इकट्ठे होंगे और आशीर्वाद गार्डन से बूंदा बाग मंदिर में हम लोग कलश की पूजा करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद वहीं पर होमगार्ड ग्राउंड में जाकर सभी महिलाएं अपनी कलश एकत्रित करेंगी और कथा का आनंद लेंगी। और कलश यात्रा में कम से कम 1008 कलश रहेंगे। हम लोगों ने पिछले समय में बहुत सी शोभा यात्राओं का आयोजन किया है। जिस प्रकार हम लोग
प्रभु श्री राम जी के जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकालते हैं, लगभग उसी तर्ज पे इस शोभा यात्रा को स्वरूप देंगे। इसमें 1008 कम से कम कलश रहेंगे, पीले वस्त्रों में सभी माताएं बहनें उन कलश को लिए रहेंगी, और हाथी, घोड़े, बग्घी, डीजे, बाजे, पुष्प वर्षा और जगह जगह स्वागत, इस तरीके से स्वरूप रहेगा कलश यात्रा का। और इसके बाद रूट की बात करें तो कलशों का पूजन होगा बूंदा बहु मंदिर में, वहाँ से अंबेडकर चौक, अंबेडकर चौक से कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से नवजागृति के सामने से जो रोड गई है उस रोड से होते हुए फिर ये सीधी रोड होमगार्ड ग्राउंड से होते हुए होमगार्ड ग्राउंड पहुँचेगी। किसी को सहयोग करना है या कोई जानकारी लेना है तो वो कहाँ संपर्क करें? उसके लिए हम लोग कार्यालय ये बन गया है और कुछ नंबर हम लोग यहाँ से जारी करेंगे, कुछ 10 लोगों के 11 लोगों के नंबर रहेंगे, उन्हीं लोगों से संपर्क करने के बाद उनके ही हाथ में सहयोग जिस भी प्रकार का होगा जनता कर सकती है। और आपके माध्यम से हम सभी भक्तों से, माताओं बहनों से करबद्ध अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, अधिक से अधिक लोग कलश यात्रा में, इस भव्य आयोजन में शामिल हों और धर्म लाभ उठावें, ऐसी अपील है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए तूफान टीवी न्यूज़।